कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट भारत की ओर से राज आदिवंशी के गतिशील नेतृत्व में शिक्षा चेतना शिविर पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में आयोजित किया जा रहा है, जिस संबंध में जालंधर से भक्तों का एक जत्था अमृतसर पावन वाल्मीकि तीर्थ के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर रवाना होने वाले जत्थों के सदस्यों ने बताया कि इस शिक्षा चेतना शिविर में 10वीं, 12वीं और हायर एजुकेशन में 75% से अधिक अंक लेने वाले और खेलों में वाल्मीकि समाज का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा और 19 नवंबर को पावन वाल्मीकि तीर्थ स्थित सरोवर में संगत द्वारा स्नान कर भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा और अंत में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इस मौके पर राजन सब्रवाल, धनपत अटवाल, रमन कुमार मट्टू, भूपेंद्र लाल, सोहन लाल, अजय सब्रवाल, शेखर गिल, मणिहंस, बलविंदर सोहोता, सचिन गिल, विशाल मट्टू, विजय भट्टी, जसमीत शौंकी, मनी हिगल, विपन गिल और मोना भट्टी सहित असंख्य संगत मौजूद रही। साढ़े बहुत ही सतिकार योग आदि धर्म गुरु राज आदिवंशी जी की योग अगवाई हेठ सिक्ख्या चेतना शिविर कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम तो पावन वाल्मीकि तीर्थ विखे करवाया जा रहा है, जिस विच जेड़े साढ़े समाज के बच्चों ने 10वीं और 12वीं विचों 75% जां उत्तों वधेरे अंक प्राप्त किए हैं, वह बच्चों नूं जां जेड़े बच्चों ने हायर एजुकेशन विचों जिवें MBBS इंजीनियरिंग, PCS, IPS, BA, BCA, BCom अन्य किसी भी खेत्र विचों वधेरे अंक प्राप्त किए हैं, वह बच्चों नूं खेड जगत विच जेड़े बच्चों ने अपने वाल्मीकन समाज का नाम रोशन किया है, चाहे लड़का होवे लड़की होवे किसी भी गेम दे विच्चों घट तो घट डिस्ट्रिक्ट लैवल तक खेडे होण, वह बच्चों पावन वाल्मीकि तीर्थ विखे सन्मानित किया जाना है।